हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ, आपका भाई मिठुन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था त्रिकोणमितीय चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। तो देखिए ये कैसे है, क्या करना है हमको। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव्ड करना है हमको, है ना, इसको LHS से चल के हमको RHS में इतना लाना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए हम पहले हल करेंगे इसका, हल बराबर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए पहले LHS को लिखेंगे, ये हो गया LHS, यहाँ पर हम LHS बराबर लिख देंगे, ये हो गया LHS। क्या दिया हुआ है, cos A बटे 1 प्लस sin A ये दिया हुआ है, और प्लस में दिया हुआ है 1 प्लस sin A, ये हो गया, बट्टे में दिया हुआ है cos A, इतना लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिए, कुछ ना, एकदम सिंपल है। नीचे वाला ले लीजिए LCM, दोनों नीचे वाला LCM हम इस प्रकार से लेंगे, अड्डा खाँच दिया LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin A आ जाएगा, और दूसरा इंटू में आ जाएगा ये cos A, इसको भी लिख देंगे cos A, इतना लिख दिए। आप देखिए क्या कीजिए, इसमें इससे भाग देंगे, 1 प्लस sin A कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ यहाँ cos A, cos A को करेंगे cos A से गुना तो हो जाएगा cos स्क्वायर A, तो यहाँ हम लिख देंगे cos स्क्वायर A, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह दे दीजिए, दे दिए। उसके बाद देखिए क्या कटेगा, यहाँ पर ये cos A, cos A कट जाएगा, और क्या बच गया, 1 प्लस sin A को 1 प्लस sin A से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस sin A का वर्ग, तो इस प्रकार से लिख देंगे 1 प्लस sin A का स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, इतना आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आराम से चलिए फिर से। देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक लकीर ले लीजिए, नीचे वाला सेम टू सेम उतार दीजिए, आराम से हो जाएगा 1 प्लस sin A हो गया, इंटू में आ जाएगा cos A, नीचे वाला को उतार दिए सेम टू सेम। आप ऊपर वाला में देखिए क्या कीजिए, इसको भी cos A है ना, cos A पहले यहाँ उतार दीजिए cos स्क्वायर A, इसको हम उतार दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए ये कौन सा सूत्र बन गया, 1 प्लस sin² sin A² तो ये कौन सा सूत्र बन गया है, नहीं हो गया A+B² इस प्रकार से होता है, A+B² क्या होगा, A² + 2AB अब प्लस हो जाता है B² इस प्रकार से ही हो जाएगा। इसी प्रकार से बैठाइए, देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर इस प्रकार से आ जाएगा, अब प्लस 2 आ जाएगा 1 × sin A, 2 × 1 × sin A इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद क्या कीजिए, देखिए अब यहाँ पे B² लेंगे प्लस, प्लस हो जाएगा साइन, इसका ले लेंगे sin² A, इस प्रकार से आ गया, हम बैठा लिए। आप देखिए आगे चलेंगे, आगे देखिए क्या करेंगे, इसको आराम से देखिएगा, आगे देखिए हमको क्या करना है। इतना लिख लिए, इतना लिखने के बाद देखिए क्या क्या होगा, आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको cos² A और sin² A, इसको आप ना एक लिख सकते हैं, आपको पता होगा cos² A लिखिए या sin² A, इस प्रकार से cos² A अब प्लस sin² A बराबर हो जाता है 1, आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए हम उसी प्रकार से करेंगे, एक लकीर ले लिए, नीचे वाला को सेम टू सेम पहले उतार देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस sin A इंटू cos A, इतना हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा cos² A प्लस sin² A का मान 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे और लिख देंगे हम 1, यहाँ लिख दिए 1। लिखने के बाद देखिए क्या कीजिए, अब क्या है ये देखिए क्या क्या हो जाएगा, अब हमको ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी हट गया, हमारे पास क्या बचा है 2 1 sin A, तो देखिए 2 को कीजिए 1 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 को कीजिएगा sin A से तो 2 sin A हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह है, पहले प्लस का चिन्ह देंगे हम, यहाँ इस प्रकार से दे दिए और हो जाएगा 2 sin A, इस प्रकार से हमारा आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम इजी से फिर नीचे वाला को इसे उतार दीजिए, 1 प्लस sin A इंटू cos A,
नीचे वाला आपको सेम टू सेम उतार दिया, उसके बाद देखिए क्या कीजिए, देखिए वन वन हो जाएगा जुटने पर टू, तो यहाँ लिख देंगे टू प्लस टू साइन ए बचा है ई, इसको लिख देंगे टू साइन ए, ये बच गया। आप देखिए क्या कीजिएगा, आप कुछ नहीं है, फिर नीचे वाला को सेम टू सेम उतार दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए इन टू बच गया कॉस ए, इसको भी लिख दिए इसलिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ टू और टू कॉमन आएगा, एकदम आ जाएगा, तो हम टू और टू को कॉमन लेंगे, तो टू को कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया टू एकम टू यानी एक, यहाँ बच गया दो बार में लगा, एक दो बार लग गया एक बार में, उसके बाद बच्चा एक तो लिख दिया प्लस, और देखिए यहाँ से यहाँ टू कट जाएगा, टू कटा तो बच्चा साइन ए, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए, इस प्रकार से साइन ए लिख दिए। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर कुछ कटने वाला है, आप देखिए काट सकते हैं हम किसको, इसको काट सकते हैं, ई इंटू में है इससे मतलब ना है, इसको हम काट सकते हैं वन प्लस साइन ए, और इसको भी काट सकते हैं वन प्लस साइन ए को, ये दोनों कट गया। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, अब यहाँ पे क्या बचा, दो बच गया, तो हम यहाँ दो लिखेंगे और बट्टे में क्या बच गया कॉस ए, कॉस ए लिख देंगे। फिर भी देखिए हमारा तो एल आर एच एस नहीं मिला है, देखिए किस प्रकार से आर एच एस मिलेगा, हमारे पास जगह इधर नहीं है, तो थोड़ा हम इधर इसको घेर के इधर बढ़ा देते हैं, देखिए ये है ना, इसको यहाँ लिख लीजिए इस प्रकार से, यहाँ लिख लिए तो देखिए क्या होगा, टू है ना, तो टू पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप, टू को यहाँ लिख दिए और गुना में टू को लिख दिया, देखिए सेम टू सेम पहले उठा लिए टू बटे क्वासे, ये बचा है क्वासे को हम लिख दिए, लिख दिए इस प्रकार से लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए क्वास ए, और देखिए यहाँ पे यदि हम एक लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, टू एकम टू वैसे रह जाएगा, तो यहाँ पे एक लगा दीजिए आप, यहाँ एक लगा देंगे तो टू एकम टू सेम हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, पहले टू को यहाँ उतार लीजिए, टू उतर गया, अब देखिए क्या है वन प्लस वन बटे कॉस ए, ये क्या हो जाता है सेक हो जाता है, ये आपको पता होगा सेक बराबर क्या होता है, ये होता है सेक बराबर वन बटे कॉस ए, ये होता है आपको पता है, आराम से इसको लिख लीजिएगा इस प्रकार से, हम लिख देंगे वन बटे कॉस ए के जगह सेक ए। देखिए हम एल एच एस से हम चले, देखिए एल एच एस इस प्रकार से चले तो हमारा आर एच एस मिल गया, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि हमारा हो गया इप्रूव्ड पी आर ओ वी ई डी, हमको यही प्रूव करना था, तो आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और आराम से आप इसको समझ लीजिएगा। फिर मैं आपके लिए अगले एपिसोड में लाऊंगा यही से यही चैप्टर से क्वेश्चन तीन नंबर, वो तीन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन मतलब पूछ देता है हर सारा, वो थोड़ा खिचपिचा भी है, उसको समझने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, यदि आप कहीं समझ लिए होंगे कोचिंग में तो अलग बात है, आ नहीं समझेंगे तो हमारे इस अगले वीडियो को देखिएगा, हम वीडियो डाल देंगे। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, कल मिलेंगे। अब बस आप एक काम कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।